दोस्तों, आज दुनिया का हर नेशन अपने इकोनॉमिक ग्रोथ को बूस्ट करने के लिए FDI यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का सहारा लेता है। चाइना आज इस केस में भी नंबर वन पोजीशन पर है। 2020 के डेटा के अकॉर्डिंग चाइना के बाद आज US FDI के लिए सबसे अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन है। लेकिन क्या आप सोच सकते हैं कि आज कोई डेवलप्ड फ्री मार्केट इकोनॉमी FDI को अब बिग नो कह सकती है? जी हाँ, जापान एक ऐसी एकमात्र मेजर इकोनॉमी है जिसमें FDI का कंट्रीब्यूशन बहुत पुअर है। यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट यानी कि UNCTAD ने 2019 में देश की GDP में क्यूमुलेटिव इन्वॉल्व FDI के शेयर के बेसिस पर 194 कंट्रीज को रैंक किया। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इस रैंकिंग में जापान नॉर्थ कोरिया को भी पीछे छोड़ते हुए एकदम डेड एंड पर खड़ा है। भले ही जापान कुछ सेक्टर्स जैसे कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में आज एक्सेल कर रहा है, लेकिन वहीं उससे कहीं ज्यादा फील्ड्स में वो आज अपनी फेलो इकोनॉमी से पीछे है। फॉर इंस्टेंस, एक बिजनेस मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशन की रिपोर्ट में 64 कंट्रीज को इस पैरामीटर पर एनालाइज किया गया कि वो अपने डिजिटाइजेशन के इन्वेस्टमेंट से कितना इकोनॉमिक बेनिफिट डिराइव करती हैं। जापान इसमें 53rd पोजीशन पर है। लेकिन यहाँ मेन सवाल ये है कि आखिर वो ऐसे कौन से रीजंस हैं जिसकी वजह से जापान में फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स की ये हालत है। आज हम इस वीडियो में उन्हीं कॉम्प्लेक्स फैक्टर्स को एकदम सिंपल लैंग्वेज में एनालाइज करेंगे। लेकिन उससे पहले आइए देखते हैं कि आखिर FDI कहते किस। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट या FDI एक ऐसी इन्वेस्टमेंट है जहां किसी भी नेशन की एक पेरेंट कंपनी दुनिया के अलग अलग रीजन्स में अपने ऑपरेशंस को एक्सपेंड करने के लिए किसी दूसरे देश में वहां किसी बिजनेस या कंपनी को या तो पूरी तरह खरीद लेती है या फिर उसके कुछ सब्सटेंशियल स्टेक्स में इन्वेस्टमेंट करती है। इन्वेस्टमेंट के साथ साथ FDI अपने साथ कुछ फ्रेश और इनोवेटिव आइडियाज भी लेकर आती है जिसका स्पिल ओवर इफेक्ट रिसिपिएंट नेशन की ब्रॉडर इकोनॉमिक को फर्दर बूस्ट करने का काम करता है। इतना ही नहीं, FDI का पॉजिटिव स्लिप ओवर इफेक्ट वहाँ के लोकल सप्लायर्स, बिजनेस कस्टमर और इवन उनके खुद के कॉम्पिटिटर्स के परफॉर्मेंस में भी देखने को मिलता है। इसका एक बेस्ट एग्जाम्पल है जापानीज ऑटोमोबाइल मेकर्स जो ट्रांसप्लांट फैक्ट्रीज को नॉर्थ अमेरिका लेकर गए। इसी के बाद डेट्रॉइट, जिसको मोटर सिटी या बर्थ प्लेस ऑफ द मॉडर्न ऑटोमोबाइल के नाम से जाना जाता है, ने सीखा कि डिफेक्ट्स को बाद में सही करने से अच्छा है उनको होने ही न दिया जाए। कंट्री के इकोनॉमिक डेवलपमेंट के साथ FDI, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, टैक्स इंसेंटिव्स, हेल्दी मार्केट कॉम्पिटिशन के अलावा और भी कई बेनिफिट्स साथ लेकर आती है। और इसको अट्रैक्ट करने के लिए नेशनल गवर्नमेंट्स फॉरेन कंपनीज को तरह तरह के इंसेंटिव्स प्रोवाइड करती है। आज ऐसे कई रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल्स हैं जहां ये देखा गया है कि उनकी इकोनॉमी में FDI का बढ़ना उनकी ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ को एक क्विक जंप स्टार्ट प्रोवाइड कर देता है। और इकोनॉमिस्ट के अकॉर्डिंग अगर इसी मॉडल को जापान में अप्लाई किया जाए तो वहां भी ये एक पॉजिटिव बूस्ट प्रोवाइड कर सकता है। तो दोस्तों, इससे एक बात तो क्लियर है कि अगर जापान अपनी स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ के फिनोमिनन को रिवर्स करना चाहता है तो उसमें FDI एक एसेंशियल रोल प्ले करेगी। लेकिन ऐसे वो कौन से फैक्टर्स हैं जो इस रास्ते में बाधा बन जाते हैं, आइए जानते हैं। दोस्तों, जापान में सालों से चलते आ रहे ऐसे कई फॉर्मल और इनफॉर्मल फैक्टर्स हैं जो फॉरेन एंटरप्राइजेस को डोमेस्टिक फॉर्म्स एक्वायर करने से रोकते हैं, और यही रीजंस जापान में इनवर्ड FDI के लिए बड़े हर्डल्स बन जाते हैं। आइए एक एक करके उन्हें देखते हैं। दोस्तों, आज से लगभग 20 साल पहले जापान के लीडर्स ने इनवॉल्व FDI को अपनी कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ स्ट्रेटजी में इनकॉर्पोरेट करना शुरू किया। 2001 में जब जूनिकिरो कोइजुमी जापान के प्राइम मिनिस्टर बने, उस समय जापान की FDI उनके GDP का कुल 1.2% शेयर कंट्रीब्यूट करती थी। इसको कंपेयर करें तो उस समय एक रिच कंट्री में ये शेयर लगभग 28% था। जूनिकिरो कोइजुमी जापान के ऐसे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे जिन्होंने जापान की FDI को डबल करने का गोल सेट किया। फिर 2006 में उन्होंने ये तय किया कि 2011 तक वो कंट्री की FDI को बढ़ाकर 5% तक लेकर जाएंगे। इसके चलते शुरू में तो एक रिमार्केबल प्रोग्रेस देखने को मिला। 2008 तक उनका FDI 4% तक बढ़ गया, लेकिन उसके बाद ये ग्रोथ वहीं रुक गई। 2013 में शिंजो आबे ने एक बार फिर अपने प्रेडिसेसर की तरह कंट्री की FDI को डबल करने का गोल सेट किया। लेकिन अगर 2019 के डेटा को देखें तो ये 2008 के 4% से बढ़कर इतने सालों बाद भी केवल 4.4% ही हुआ है।
अगर अब इसको किसी भी टिपिकल रिच कंट्री से कंपेयर करें तो वहां ये फिगर 44% के मार्क तक पहुंच गई है, यानी लगभग 11 टाइम्स ज्यादा। इतना ही काफी नहीं था कि चीजों को और भी ज्यादा वर्स बनाने के लिए वहां की गवर्नमेंट अपने इस फेलियर को खुद ही से छिपा रही है। फाइनेंस मिनिस्ट्री की रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग 2020 में जापान का इनवॉर्ड एफडीआई बढ़कर लगभग $359 बिलियन के मार्क तक पहुंच गया, और इसी के चलते उन्होंने शिंजो आबे के 2013 में सेट किए गए गोल को अचीव कर लिया है। लेकिन अगर इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट और यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट के डेटा को देखा जाए तो जापान की एफडीआई 2020 में कुल $215 बिलियन के मार्क पर है। लेकिन दोस्तों, सोचने वाली बात यह है कि गवर्नमेंट रिपोर्ट्स और इंटरनेशनल एजेंसीज के दिए गए डेटा में इतना ज्यादा गैप आखिर कैसे पॉसिबल है। इसका सिंपल सा आंसर यह है कि गवर्नमेंट अपनी मिसलीडिंग फिगर्स यूज करके रियलिटी को छुपाने की कोशिश कर रही है। दोस्तों, IMF ने कंट्रीज के FDI ग्रोथ या चेंजेस को ओवर टाइम मेजर करने या फिर दो या दो से ज्यादा कंट्रीज के FDI को कंपेयर करने के लिए दो मेजरमेंट पैरामीटर्स अप्रूव किए हैं। एक है डायरेक्शनल प्रिंसिपल और दूसरा है एसेट लायबिलिटी प्रिंसिपल। इन दोनों प्रिंसिपल में से IMF केवल डायरेक्शनल प्रिंसिपल को ही रिकमेंड करता है, लेकिन वहीं जापान की फॉरेन मिनिस्ट्री एसेट लायबिलिटी प्रिंसिपल को यूज करती है। हालांकि सेकंड प्रिंसिपल भी उतना ही लेजिटिमेट है, लेकिन ये उन आइटम्स को इंक्लूड करता है जिनका रियल FDI से कुछ लेना देना नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई जापान बेस्ड पेरेंट कंपनी है और वो अपने ओवरसीज एफिलिएट से लोन लेती है तो ये एसेट लायबिलिटी प्रिंसिपल में काउंट होगा। खैरी फैक्टर तो ये बताता है कि कैसे जापान में गवर्नमेंट एजेंसीज मिसलीडिंग पैरामीटर्स यूज करके डेटा को मैनिपुलेट करती हैं। लेकिन सवाल अभी भी वही है, आखिर जापान फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स को क्यों अट्रैक्ट नहीं कर पाता। दोस्तों, अगर जापानीज मार्केट की बात करें तो वो भी फॉरेन बिजनेसेस के लिए काफी अट्रैक्टिव है। जापान की लार्ज एफ्लुएंट मार्केट, उसकी वेल एजुकेटेड वर्कफोर्स और कस्टमर बेस और पोटेंशियल सप्लायर्स और पार्टनर्स के बीच उसकी हाई टेक्नोलॉजिकल कैपेसिटी के चलते मल्टीनेशनल कंपनीज जापान को एक के बाद एक सर्वे और रिपोर्ट्स में टॉप पोजीशन पर रखती आई हैं। लेकिन इन सब चीजों के बावजूद भी फॉरेन बिजनेसेस हेल्दी जापानीज कंपनीज को खरीदने में कई दिक्कतें फेस करते हैं, और यही जापान की इनवॉइड FDI फ्लो में सबसे बड़ा हर्डल है। दोस्तों, एक टिपिकल रिच कंट्री में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का 80% मर्जर्स और एक्विजिशन की फॉर्म में होता है, लेकिन जापान में ये केवल 14% है। मर्जर्स और एक्विजिशन का इतना कम अमाउंट ही जापान की लो FDI का एक मेजर रीजन है। इस इम्पेडिमेंट की रूट्स पोस्ट वर्ल्ड वॉर टू एरा में ट्रेस की जा सकती हैं। दोस्तों, वर्ल्ड वॉर टू के बाद फॉरेन कंपनीज के डोमिनेशन के डर की वजह से जापान ने उसकी FDI को रेस्ट्रिक्ट कर दिया था। 1960s में जब जापान ने OECD का मेंबर बनना चाहा तो उनको ये रेस्ट्रिक्शंस लिबरलाइज करने पड़े, लेकिन जापानीज गवर्नमेंट ने इनबाउंड मर्जर्स एंड एक्विजिशन पर इनडायरेक्ट रेस्ट्रिक्शंस क्रिएट करने के लिए कुछ मेजर्स अडॉप्ट किए, जिसको लिबरलाइजेशन काउंटर मेजर्स कहा जाने लगा। इन मेजर्स में कॉर्पोरेट जॉइंट्स और उनके फाइनेंशियर्स के बीच क्रॉस शेयर होल्डिंग को रिवाइव करना, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कॉर्पोरेट ग्रुप जिनको केरित्सू कहा जाता है को बढ़ाना, और क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शंस के लिए कॉम्प्लिकेटेड रूल्स और रेगुलेशंस इन्वॉल्व थे। केरित्सू एक जापानीज टर्म है जिसका मतलब है एक ऐसा बिजनेस नेटवर्क जो डिफरेंट कंपनीज, मैन्युफैक्चरर्स, सप्लाई चेन पार्टनर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स और ओकेजनल फाइनेंशियर से मिलकर बना होता है। प्राइम मिनिस्टर कोइज़ुमी ने इस तरह से कुछ लीगल बैरियर्स को कम करने की कोशिश की। डोमेस्टिक इंटरेस्ट और फॉरेन बिजनेस एग्जीक्यूटिव्स के ओपिनियन के बीच 2 साल तक एक कांस्टेंट डिबेट चलती रही। इसके बावजूद भी इनबाउंड मर्जर्स एंड एक्विजिशन को आसान बनाने के लिए उनके एडमिनिस्ट्रेशन ने जापान के कमर्शियल लॉज में भी काफी चेंजेस किए। आज भले ही जापान में ज्यादातर इम्पेडिमेंट्स रिमूव कर दिए गए हैं, लेकिन कॉर्पोरेट ग्रुप सिस्टम आज भी उसी इनवॉइड FDI फ्लो के लिए एक बड़ा चैलेंज बन जाता है। आज जापान की मीडिया भले ही उन स्पेक्टेकुलर केसेस को पोर्ट्रे करती है जहां फॉरेन कंपनीज आकर जापान के निसान, शार्प और टोशिबा जैसी फेलिंग जॉइंट्स को रेस्क्यू करने में सक्सेसफुल हुई, लेकिन दोस्तों, असल में बात तो ये है कि कोई भी फॉरेन इन्वेस्टर अपनी पेरेंट कंपनी के ग्लोबल एक्सपेंशन के लिए अच्छी कंपनीज को खरीदना ही पसंद करेगा। और जापान में सबसे अनफॉर्चुनेट बात यह है कि केरित्सू सिस्टम के चलते वहां के सबसे अट्रैक्टिव टारगेट्स आज फॉरेन कंपनीज के रीच के बाहर हैं। ट्रेडिशनली एक केरित्सू का मेंबर फॉरेन कंपनीज से दूर
बल्कि जापान के अंदर अंदर ही किसी दूसरे केइरेत्सु को भी खुद को सेल नहीं कर सकता। आज भले ही कुछ पेनफुल इकोनॉमिक ट्रांजिशन के चलते इंटर केइरेत्सु मर्जर्स एंड एक्विजिशन के अगेंस्ट रेस्ट्रिक्शंस थोड़े कम हुए हैं, लेकिन मोस्टली सभी केइरेत्सु फॉरेन बायर एक्विजिशन को आज भी स्ट्रांगली अपोज करते हैं। दोस्तों, जापान के कॉरपोरेट ग्रुप्स जिसमें 26,000 पेरेंट कंपनीज और उनके 56,000 एफिलिएट्स आते हैं, वो लगभग 18 मिलियन लोगों को इम्प्लॉय करते हैं, जो जापान के टोटल इम्प्लॉय पॉपुलेशन का 1/3 है। और इसमें इससे भी ज़्यादा अनएफिलिएटेड सब कॉन्ट्रैक्टर्स और क्लोजली अलाइड सप्लायर्स भी हैं, वो अलग। फॉर एग्जाम्पल, टोयोटा ग्रुप के 1,000 एफिलिएट्स और 40,000 सप्लायर्स हैं, जिसमें मेजोरिटी में टाइटली लिंक्ड सब कॉन्ट्रैक्टर्स हैं। इसी कॉरपोरेट सिस्टम के चलते 1996 से 2000 तक फॉरेन कंपनीज जहां कॉरपोरेट ग्रुप के केवल 57 मेंबर्स ही खरीद पाई हैं, वहीं अनएफिलिएटेड कंपनीज की बात करें तो उसका नंबर 3000 है। एफडीआई प्रमोशन काउंसिल, जो जापानीज गवर्नमेंट की एक एडवाइजरी बॉडी है, उसने 2020 में एक ड्राफ्ट पेपर इशू किया। इसमें उन्होंने बताया कि कैसे इनबाउंड मर्जर एंड एक्विजिशन जापान की स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस यानी कि एसएमईज में चल रही सक्सेशन क्राइसिस के लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकती है। उसी रिपोर्ट में आगे बताया गया कि 2025 तक जापान की लगभग 6 लाख एसएमईज बंद होने के कगार पर आ जाएंगी, क्योंकि तब तक उनके ओनर्स 70+ एज ग्रुप में पहुंच चुके होंगे। और तो और, उनका कोई भी सक्सेसर ना होने के चलते इन कंपनीज को आगे संभालने वाला कोई भी नहीं होगा। इतना ही नहीं, इससे लगभग 6 मिलियन जॉब्स भी रिस्क पर होंगी। इस डिजास्टर को होने से रोकने के लिए इस रिपोर्ट में कुछ मैकेनिज्म मेंशन किए गए हैं। ये मैकेनिज्म्स एसएमईज को सूटेबल फॉरेन पार्टनर्स ढूंढने और थर्ड पार्टीज के बीच बिजनेस ट्रांसफर को फैसिलिटेट करने के लिए बनाए गए थे। अगर आसान भाषा में कहा जाए तो ये मैकेनिज्म्स मर्जर एंड एक्विजिशन को बूस्ट करने के लिए थे। लेकिन सरप्राइज की बात यह है कि जब कैबिनेट ऑफिस ने जून में इसका फाइनल डॉक्यूमेंट रिलीज किया, तो उसमें हर तरह के इनबाउंड मर्जर एंड एक्विजिशन का मेंशन बिल्कुल खत्म कर दिया गया। तो उनके लिए फॉरेन कंपनीज का एक्विजिशन या एफडीआई इतने बड़े लेवल पर जॉब लॉस होने से भी ज्यादा खतरनाक है। तो अब आप समझ ही गए होंगे कि इन सब चीजों के चलते जापान की 194 रैंक कोई बहुत सरप्राइजिंग बात नहीं है। दोस्तों, दुनिया की कोई भी कंट्री जैसे ही एफडीआई को रजिस्टर करने के बजाय उसको प्रमोट करती है, तभी से उनकी एफडीआईज बढ़ना शुरू हो जाती हैं। साउथ कोरिया में इनवर्ड एफडीआई टू जीडीपी का रेशियो 1990s के 2% से बढ़कर आज 14% हो चुका है। वहीं इंडिया में ये रेशियो 1990 के 0.5% से बढ़कर आज 14% हो चुका है। अगर बात करें ईस्टर्न यूरोप की 8 फॉर्मर सोवियत रिपब्लिक्स की, तो वहाँ ये 7% से बढ़कर आज 55% तक पहुँच चुका है। जापानीज इकोनॉमिस्ट ताकियो होशी और कोजो कियोता की कैलकुलेशंस के अकॉर्डिंग, अगर जापान भी इन्हीं कंट्रीज की तरह परफॉर्म कर रहा होता तो उसकी एफडीआई टू जीडीपी रेशियो 2015 तक 35% के मार्क तक पहुंच गया होता। आज भले ही जापान में कुछ ऐसे फोर्सेस इमर्ज हो रहे हैं जिनमें चेंज का पोटेंशियल साफ साफ नजर आता है, चेंजिंग पब्लिक ओपिनियन, सक्सेशन क्राइसिस, कॉरपोरेट रिफॉर्म्स और एग्जिस्टिंग ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर में चेंज, जापान की इस कंडीशन को बदलने के कुछ पोटेंशियल ड्राइवर्स हो सकते हैं। लेकिन इन ड्राइवर्स का जो भी इम्पैक्ट हो, पर यह बात तो साफ है कि अगर जापान अपनी एफडीआई में जरा भी राइज देखना चाहता है तो उसको जरूरत है गवर्नमेंट और बिजनेस लीडर्स के द्वारा लाए गए कंसर्टेड पॉलिसी एफर्ट्स की, जो इनबाउंड मर्जर्स एंड एक्विजिशन को प्रमोट करे, वरना जापान शायद ही कभी अपनी इन रैंकिंग्स या इकोनॉमिक ग्रोथ को इम्प्रूव कर पाएगा। दोस्तों, इस पूरे मुद्दे को लेकर आपका क्या ओपिनियन है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।